दोस्तों, मेरी चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ 11 में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने गूगल पे जाके बहुत सारे PNG बैनर के लिए डाउनलोड किए हैं विद बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे जो मैंने पेज सिलेक्ट किया है वो 7.5 बाई 2.5 फीट का है और जो स्क्वायर का माप है वो 60 बाई 2 फीट का है। सबसे पहले मैंने फाइल में जाके इंपोर्ट करके ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है और इसको इफेक्ट में जाके पावर क्लिप करके प्लेस इन इनसाइट कर दूंगा और बाद में क्लिप आउट के अंदर जाकर इस बैकग्राउंड को मैं अपने माप के अनुसार सेट कर दूंगा। वापस फिनिश एडिटिंग करके मैं बाहर आ जाऊंगा और दूसरा PNG इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसे PNG पहले से ही डाउनलोड करके रखे और उसकी साइज़ भी बराबर करें या उसी की मदद से ये PNG जो हमने इंपोर्ट किया है उसी की मदद से हम चाहे तो कोरल ड्रॉ की मदद से हूबहू उसका डुप्लीकेट या ड्राइंग करके वेक्टर इफेक्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं टाइम बचाने के लिए पहले से ही मैंने जो वेक्टर इमेज बना के रखी है वही यहाँ पे मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ। दोस्तों, दूसरी बार हम ये वेक्टर इमेज किस तरह से बनाते वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे बैनर के अंदर मैंने ये वेक्टर शेप बना के पहले से ही तैयार रखा था जो मैंने अपने माप के अनुसार सेट कर दिया है। अब उसकी जो आउटलाइन है वो मैं सेट कर रहा हूँ। वाइट कलर की थी तो ब्लैक कलर की कर दिया और काफ़ी सुंदर मेरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं पावर क्लिप करके इस शेप को भी बॉक्स के अंदर ले जाऊंगा जिससे मेरे टेक्स्ट और शेप डिस्टर्ब ना हो। बैनर बनाने के समय पावर क्लिप करना बहुत ज़रूरी है जिससे बार बार आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट ना हो और टेक्स्ट अलग रहे, इसके लिए पावर क्लिप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पावर क्लिप कर दिया है और मेरा बैकग्राउंड पूरा अच्छी तरह से सेट हो गया। अब मैंने जो लेटर लिखे हैं पहले से ही लिखे हुए हैं क्योंकि ये दूसरी बार मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को दूसरी बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला मैंने काम किया है पछी आओ, जो मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है वही लेटर को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं अपने बैनर के अंदर जो मेन दुकान का नाम है उसको हाईलाइट लाने के लिए उसको थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा उसको मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा कलरिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से हम अपनी सारी टेक्स्ट को 1 बाई 1 यहाँ पे लाएंगे और अच्छी तरह से अपने डिज़ाइन में सेट करेंगे। कई बार दोस्तों हम जो सोचते हैं वो तो करना ही है लेकिन कई बार हमें हमारी सोच से अलग हटके थोड़ा क्रिएटिव काम भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो टेक्स्ट पहले इस्तेमाल किया है वही टेक्स्ट बार बार इस्तेमाल करें। जहाँ पे जो टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने फैशन के अंदर थोड़े मोटे लेटर लिए, उसकी आउटलाइन की है वाइट कलर की, उसको और मोटा करेंगे। इस तरह से हम बारी बारी अपने सारे टेक्स्ट को अपने शेप के अनुसार सेट करेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे कि अपनी टेक्स्ट बाहर आए बैनर से और बैकग्राउंड पीछे चला जाए। बैकग्राउंड का भी इतना ही महत्व है और टेक्स्ट का भी इतना ही महत्व है। तो यहाँ पे मैं शैली का जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैं और बड़ा करूँगा जिससे वो बैनर के अंदर पूरा दिखे। तो मैं वापस इसको सिलेक्ट करके कलर करके बड़ा करूँगा। कलर के अंदर भी हम अलग अलग कलर कर सकते हैं, एक साथ दो कलर ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं। तो किस तरह से हम यहाँ पे ग्रेडियंट टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर के अंदर जाके मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट की है, येलो एंड ऑरेंज या रेड।
आप जो भी चाहो वो दो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट को बहुत सुंदर बना सकते हैं। पीछे की तरफ उसी की कॉपी करके हम बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की भी शेडो दे सकते हैं। अच्छी तरह से बैनर को जूम करके छोटा करके सेट करें, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि अपना नाम कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं बार बार छोटा बड़ा इसीलिए कर रहा हूँ जिससे बैनर का साइज़, लेटर के साइज़ अच्छी तरह से निखर के आए। मैंने यहाँ पे अब दूसरा टेक्स्ट लेंगे कॉपी करके, और उसके भी टेक्स्ट हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कई बार लेटर बड़े होते हैं, कई बार छोटे करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत के अनुसार से आप अपने टेक्स्ट छोटे बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लेटर फॉन्ट इस्तेमाल किया है वो LPG है। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं, और अब मैं शेप टूल की मदद से ये वाले शेप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरा एड्रेस और ये फागुन सिलेक्शन निखर के बाहर आए। फागुन सिलेक्शन जो नाम है वो दुकान का दूसरा नाम है, और उसको भी हाईलाइट में लाना ज़रूरी है। कई बार पुराने ग्राहक इसी नाम से दुकान को पहचानते हैं, तो इस नाम को और अच्छी तरह से निखारने के लिए मुझे ये रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर, सेलिफेशन से थोड़ा ऊपर ये हाईलाइट में आए, और उसी के ऊपर मैं टेक्स पेजअप करके सेट करूँगा, और उसके लेटर को बोल्ड करेंगे या उसकी आउटलाइन को भी थोड़ा मोटा करेंगे, जिससे पर्पल यो ब्लू कलर का हमने शेप सिलेक्ट किया है उसमें अच्छी तरह से हमारा फागुन सिलेक्शन जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट में आए। थोड़ा बड़ा हो जाने पे उसकी आउटलाइन थोड़ा सेट करें। इस तरह से हम अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। कई बार हम एक ही काम को बार बार करने से, प्रैक्टिस होने से हमारे बैनर में जल्दी जल्दी से हम तेज़ी से अच्छी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये दोनों शेप साथ में रख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि बैकग्राउंड में जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे भी मुझे यूज़ करना है कुछ लेटरों को, क्योंकि अभी भी कई टैग्स हमारी बाकी है। यहाँ पे कुछ नाम है, कुछ मोबाइल नंबर है और सेल, ये टैग्स को भी हमें बार बार यूज़ करना है, जिससे हमारी बाकी की जगह भी अच्छी तरह से कवर हो, और कुछ PNG भी हमें लानी है। तो यहाँ पे मैंने जो नाम है वो सारे नाम को, टैक्स को यहाँ पे लेके आया हूँ, और जो बिन ज़रूरी टैक्स है उसको मैं बैक साइड से डिलीट कर रहा हूँ। अब सारे लेटर जो है वो एक ही माप के रहे, इसके लिए मैं सारे लेटर में कलर भी कर रहा हूँ, आउटलाइन भी कर रहा हूँ, और सारे टैक्स के नंबर एक जैसे रहे, जिससे देखने में वो व्यवस्थित लगे। कोई लेटर बड़ा ना हो, कोई लेटर छोटा ना लगे, या कोई टैक्स छोटी बड़ी ना हो, सब एक जैसी लगे। इसके लिए मैंने ये सारा टैक्स एक ही माप का कर दिया, जिससे हमारा डिज़ाइन और निखर के आए। दूसरा, नाम और मोबाइल नंबर अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों में अलग कलर किए हैं, और वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है किस तरह से मैं बैकग्राउंड के ऊपर अपने ये नाम और नंबर सेट कर रहा हूँ, वो देखिए। क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर अगर रखेंगे तो पूरा डिज़ाइन पीछे बैकग्राउंड में चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन भी दिखे और नंबर भी अच्छी तरह से दिखे। यहाँ पे लास्ट जो टैक्स है वो सेल का है, क्योंकि दुकान में सेल होते रहते हैं, तो यहाँ पे सेल के लेटर में चेंज करना चाहूँगा। कई बार हम लोग जो एक्स्ट्रा PNG सेल की भी है वो भी डाउनलोड करके रखे, जिसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है सेल का, वैसे ही आप दूसरी टैक्स भी यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे छोटी बड़ी PNG फ़ोटो को करके आप अपने टैक्स के अनुसार पूरा सेट करें, ज़रूरत पड़ने पे उसको प्लस करके कॉपी करें। हर संभव कोशिश करें कि आपका बैनर और अच्छा बने। डिज़ाइन आपके दिमाग में ही है, थोड़ा बस अपने दिमाग को कसे और कुछ नई क्रिएटिव डिज़ाइन बाहर लाए।
यहाँ पे मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और सेल को और अच्छा बनाने के लिए टैक्स और पीएनजी फोटो को मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेल वाली टैक्स है उसके लेटर में चेंज करके उसी की कॉपी करके उसके नीचे रख रहा हूँ, जिससे सेल सेल दो बार पढ़ने में आए। या दूसरी तरफ बोलूँ तो ये दूसरी जगह पे भी हम सेल सेट करेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए सेल को, सैली जो नाम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो जिस तरह से मैंने ये कोने में दो टेक्स्ट किए हैं, वैसे ही उसकी आउटलाइन बढ़ाकर उसको और अच्छा क्रिएटिव कर देंगे, जिससे वो बैकग्राउंड में निखर के आए। और उसी की कॉपी करके वापस यहाँ कोने में, दोनों साइड कोनों में आ जाए, जिससे सेल सेल दोनों तरफ पढ़ने में आए, बीच में भी सेल पढ़ने में आए। उसकी कॉपी करके सेट करें, थोड़ा दोनों को सिलेक्ट करें, छोटा करें, नाम के साथ मोबाइल नंबर के साथ उसको अटैच करें, सिलेक्ट ऑल करें, आउटलाइन थोड़ी बढ़ाए जिससे नाम अच्छी तरह से बाहर निकल के आए। सेल जो है वो भी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से अपने फाइल में सेव करें। सेव करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्ज़न है कोरल ड्रॉ का, उसका थोड़ा लो वर्ज़न में हम फाइल को सेव करेंगे, जिससे हम किसी भी ग्राफिक्स के यहाँ जाके हम इसकी प्रिंट आउट ले सकें। दोस्तों यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल यूज़ किए थे, और भी मैं अच्छा करने के लिए दोनों को अलग कर रहा हूँ। नाम, दुकान का नाम के नीचे ही उसका एड्रेस है, और दूसरी तरफ जो दुकान का दूसरा जो नाम है उसको भी मैं अच्छी तरह से सेट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके, थोड़ा मोटा करके, अच्छी तरह से बैनर में हर कोने का, हर जगह का इस्तेमाल मैंने किया है। और डिज़ाइन का भी महत्व है, बैकग्राउंड का महत्व है, हर चीज़ को मैं यहाँ पे ध्यान से काम कर रहा हूँ। दोस्तों मेरी चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और यूं ही मेरे साथ आगे बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।